नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजनल चले। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मायावती के बाउंसर ने बदली सियासी हवा, भाजपा और सपा के लिए बड़ी चुनौती बना बाउंसर ट्वीट। बता दें कि मैनपुरी और रामपुर में बसपा चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन हार जीत की चुनावी पिच बसपा की वजह से ही तय होगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर महज 7 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने ट्वीट का ऐसा बाउंसर मारा है जो सियासी गलियारों में मायावती का सेफ साइड कहा जाने लगा है। मायावती के इस इशारे के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए दोनों सीटों पर कड़ी चुनावी परीक्षा की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, मायावती उपचुनावों में मैदान में आए या ना आए, लेकिन हार जीत की चुनावी पिच बसपा की वजह से ही तय होगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट पर चुनाव 5 दिसंबर को तय हुआ है, जबकि रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आजम खान की सदस्यता जाने से इस विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को ही चुनाव तय हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है, खास तौर से तब जब मायावती ने ट्वीट करके उपचुनावों में अपनी पार्टी का न उतरने का जिक्र किया और एक ऐसा ट्वीट का बाउंसर भी मारा जिसके तमाम तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जब गोला गोड़कर नाथ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भारी मतों से हार गई तो देखना ये होगा कि क्या अब सपा मैनपुरी और रामपुर की सीट बचा पाती है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक जटा शंकर सिंह कहते हैं कि मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से इशारा कर दिया कि संभव है कि वह इन दोनों सीटों पर मैदान में ही न उतरे। सिंह कहते हैं कि हालांकि मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था और उसी वजह से समाजवादी पार्टी की गणित गड़बड़ाई तो भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। अगर मायावती मैनपुरी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारती हैं तो सबसे ज्यादा चुनौती मायावती के वोट बैंक को हासिल करने की होगी, क्योंकि मायावती का वोट बैंक बसपा के चुनाव न लड़ने से या तो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होगा या भारतीय जनता पार्टी की ओर। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। बसपा से जुड़े एक पूर्व नेता कहते हैं कि मायावती के ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी और रामपुर जैसी महत्वपूर्ण उपचुनावों में बसपा दांव नहीं आजमाएगी। कहना है कि बसपा की कमेटी की इन चुनावों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करनी शुरू की है, उस लिहाज से रामपुर और मैनपुरी भी वहां चुनावी समर में जा सकती है। अब देखना होगा कि मायावती की रणनीति कितनी कामयाब होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।